आज हम लोग जाने वाले हैं बनारस शादी में, और यहाँ सारी तैयारी हो चुकी है। मैडम जी झूठ मूठ का नहा चुकी हैं। ए झूठ मूठ का कोई नहाएगा? यहाँ सारे बैग्स पैक हैं, एक बैग अंदर है और मेरा सिर्फ देखिए ये छोटा सा बैग है, और ये बड़े बड़े बैग जो हैं, ये पूरा बैग आपका है, उसमें ये वाले बैग में किसी का सामान कुछ भी नहीं है। तो इतने सारे बड़े बड़े बैगों में जो है इनका और बच्चों का सामान है, और अच्छा। मेरा सिर्फ ये देखिए एक छोटा सा बैग, इसमें मेरा दवा और मेरा वहाँ पे मेरा कपड़े गिरोगे ना? मेरे पास कपड़े है कहाँ भाई? हाँ। जो पहन के जाऊंगा वही 4 दिन पहनूंगा। हाँ, पब्लिक देखेगी ना, झूठ किससे बोलेंगे, वो पब्लिक खुद देखेगी। क्यों भाई बाबू बताओ, मेरे पास कपड़े हैं? रो रहा है जाने के लिए, उसको लेट हो रहा है जाने के लिए। जल्दी चले, चलो दीदी के स्कूल से आने दो, तब ना चलेंगे। वो तुम्हारा ब्रश ले चलना है, ले चलोगे ब्रश करोगे कि नहीं? तुम लोग ब्रश तो करते नहीं हो यार, तुम लोग ब्रश क्या करोगे लेकर? करते हैं, जाओ कर लो जल्दी से ब्रश। एक तुम और एक तुम्हारी मम्मी, दोनों का दांत सड़ा हुआ है, तुम लोग ब्रश तो कभी करते नहीं हो। लो ब्रश, ये लो ब्रश और जाके कर लो बाहर। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों को रास्ते में। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये पतिदेव का मेकअप चल रहा है, कह रहे हैं फाउंडेशन दे दो लगाने के लिए। हम बोले कि 5-6 घंटे जाना है आपको कार में, आप फाउंडेशन लगा के किधर जाएंगे भाई? हा? मुझे देखिए, मैंने कुछ भी नहीं लगाया, बस हल्का सा बेबी पाउडर लगा लिया है बस, उसके बाद कुछ भी नहीं लगाया क्योंकि जाना ही। मेरे कार के ड्राइवर एक लेडीज है, मालूम है? लेडी ड्राइवर लेके चलेगी हम लोग। तो खूबसूरत सी। और ये मैं हो गई हूँ रेडी और पहन के जा रहे हैं सूट, क्योंकि कार में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, भले ही ससुराल जाना है। अभी श्लोक जाएगा कि नहीं? हाँ, तुम तो रेडी ही नहीं हुए हो। हाँ ठीक है ठीक है, तो सूट पहन के जा रहे हैं क्योंकि कार में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, और दो दो बच्चे, दो क्या 3 बच्चे हैं, रॉकी भी है, इस बार 3-3 बच्चों को संभालते हुए मुझे जाना है लेकर। और पतिदेव किसको संभालेंगे? ये मुझे संभालेंगे क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम बहुत होती है, और आरवी को भी वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है, श्लोक थोड़ा सा नॉर्मल है। अब देखते हैं रॉकी क्या करता है इस बार। रॉकी के साथ इतना लंबा हमारा फर्स्ट ट्रिप है। यहाँ पे गाड़ी आ चुकी है और पतिदेव सारा सामान बैग पैक कर रहे हैं। आरवी स्कूल से आ गई? आरवी क्या हुआ, तुम रेडी नहीं हो? तुम्हें भी चलना है? अरे तुम जाने दो, तुम मत जाओ। रेडी कर रहे हैं, कर रहे हैं। गोदी, इतनी बड़ा बच्चा, इतना बड़ा बच्चा कोई गोद में आता है जी? देखो कह रही है गोदी लो। हाँ सब लोग रॉकी को ही बाय कर रहे हो, हमको बाय बाय। मेरे घर का ख्याल रखना सब लोग, शैतानी मत करना। एसी चल रहा है ना? कहाँ? शीशा मत खोलो, जब तुमको कुछ प्रॉब्लम होगी तो बताना। तो देखो हम तो कहाँ गए, बहुत दूर आ चुके हैं। कैसा लगा तुम्हें? अच्छा लगा होगा? गिरा दिया? नहीं खाया, इतना चटपटा तीखा लग रहा है उसको, कुरकुरे। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा 5 मिनट के लिए रुके हैं, अरवी बोल रही थी वॉमिटिंग वगैरह, तो वो और रॉकी को भी टॉयलेट करा दें। तो देखिए इसका, अरवी को बहुत प्रॉब्लम होती है, एकदम परेशान रहती है पूरे रास्ते भर, और रॉकी भी गया है अपना टॉयलेट करने, और ये पूरा जंगल में रुके हैं हम लोग। जब हम लोग MP विंध्यनगर से घर जाते हैं, अरोरा मिर्ज़ापुर में हमारा घर है, तो रास्ते में इतना प्यारा प्यारा सीन मिलता है ना कि मन करता है वहीं पे थोड़े टाइम के लिए बैठ जाएं। बट रास्ते भर मेरा भी चेहरा और आरोही का, हम दोनों का मतलब फेस ऐसा रहता है ना कि हम लोग
चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाए, इतना मतलब वॉमिटिंग की प्रॉब्लम लगती है। देखो यहाँ पे आरुही भी कई कपड़े पूरे निकाल दिए हैं क्योंकि उसको गर्मी लग रही थी, गर्मी का ऐसी भी चल रहा है, फिर भी उसको थोड़ी सी अजीब सा लग रहा था, तो मैंने कहा कि चलो अच्छा तुम कपड़े भी निकाल दो, बनियान पहन के चलो। और रॉकी यहाँ पर ऊपर नीचे कर रहा है, कभी सीट पर बैठ रहा है, कभी नीचे घूम रहा है, कभी अपने पापा के पास जाकर गोद में बैठ रहा है, मतलब ऐसे ही उसका ट्रिप चल रहा है। खाते पीते एक दो बार रुकते हम लोग चल रहे हैं। इस बार थोड़ा दूर जाना है, हर टाइम तो हम लोग हरवाना जाते थे तो उतना दूर नहीं पड़ता था, लेकिन इस बार बनारस जाना है, मतलब पूरे एक घंटे का और ट्रिप है हमारा, मतलब बहुत ही क्या पता है कैसा लग रहा है, किसी तरह पहुंच जाएंगे। वैसे मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं हुई इस बार वॉमिटिंग वगैरह की, लेकिन आरुही को 2-3 बार वो उल्टी की। तो अभी हम लोग अरहरा पहुंचने वाले हैं, मम्मी बोली थी कि वहीं पर जाकर थोड़ा फ्रेश वगैरह हो लेना, लेकिन अब मन नहीं कर रहा है, अब सीधे वहीं पर पहुंचेंगे, चल रहे हैं सीधे बनारस पहुंचेंगे। कौन रुकने का मतलब कि आधा घंटा लेट भी होगा और फिर क्या मतलब है, जब पहुंचना ही है जाना ही है तो फिर चलते हैं। देखिए ये सब देखने में मतलब कितना प्यारा लग रहा है, मन कर रहा है कि चले जाएं, पहाड़ों पर झरने भी हैं और वहीं पर थोड़े टाइम के लिए बैठें, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं और फिर सबको प्रॉब्लम होती है, पति देव को भी, मतलब वो भी सोचते हैं कि कितना जल्दी हम लोग घर पहुँच जाएँ। तो अब भाई अब चलते हैं, अपनी मंजिल तक पहुँचने में बस 1 घंटा और बचा है। आप लोग खुद देख लीजिए कैसे मतलब रोने लगती है, इसको क्या होता है कि मतलब एकदम रोने रोने लगती है, तो मुझे भी रोना आने लगता है इसको देखकर। हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हैं आप सभी भाई और बहन, आशा करते हैं सभी लोगों के। यहाँ बहुत सारी सुंदरियाँ बैठी हुई हैं, आप लोग कंपटीशन कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये देखिए 1 2 3 ऐसे, और अंदर की भी सुंदरियों को आपको दिखाया जाएगा, दिखाया जाए कोई बात नहीं, चलिए आप लोगों को अंदर ले चलते हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ पे कितने सारे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ सभी लोग परिचय के हैं हमारे, कोई मौसी है, कोई भौजी है, भौजी कोई है कि नहीं है, भौजी कोई नहीं है, कैसा नहीं है भौजी, हम पहले से डील करके बैठे हमारे भौजी, आप कैसे फैसला करेंगे बताइए, हमारा उसका पहले का डील है, डील कैंसिल नहीं होता है भाई। देखिए भौजी माने भौजी, वो भी हमारे उम्र का, हम भी उसके उम्र के, दोनों बराबर हैं, एक ही घंटे एक ही समय एक ही पल में पैदा हुए हैं। इनका कोई भरोसा ना करे। देखिए ऐसा है, उम्र में क्या रखा है, दिल बचपन का और बाल, दिल बचपन का होना चाहिए, सफेद होना चाहिए, बाल भले सफेद रहे, बाल भले सफेद रहे, दिल बचपन का होना चाहिए। तो तैयार हो गए, और कुछ बचा है? अच्छा ठीक, चलिए फिर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, नीचे चलिए, डीजे उजे बच रहा है, नाची उची। यहाँ पे एक और जनजाति यहाँ बैठी हुई है, देख सकते हो, ये इनका नाम है टॉमी सिंह, टॉमी सिंह बहुत ही सीधे साधे प्यारे से कुत्ते हैं, और ये मेरा कुत्ता जो है ये इसको बार बार भोंक रहा है, हड़का रहा है। आरुही तुम इसको भी फ्रेंड बना लिए हो, ये वीडियो कैमरा वाले भैया हम ही लोग का वीडियो उतार रहे हैं, है ना, थोड़ा छोटा मुंह खोलो बे, तो यहाँ पे चुमावन की रस्म होने जा रही है, हमारे दूल्हे राजा देवर जी को चुमा जाएगा, तो वो रस्म कैसे होती है आप लोग देख लीजिए। वैसे आप लोगों के दिमाग में कुछ और आ गया होगा मैं जब चुमा बोल रही हूँ, तो तुम देवर है धक्का उक्का मार ले, बोलो ए गोलू ए भौजी लागे रे, हमको भी करना रहता है, लेडीजों काम है,
आप बस कैमरा मैन बन के रहिए। आपका हो गया है सब, बार बार नहीं मौका मिलता है। गाड़ी 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 गाड़ी